तो आपने जो टेप सुना उसमें आवाज अकबरुद्दीन ओवैसी की थी। हिंदुओं का दावा है कि इस जुलूस में अकबरुद्दीन का 11 साल पुराना वो टेप भी बजाया गया जिसमें अकबरुद्दीन ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने का चैलेंज दिया था, लेकिन इसका वीडियो सामने नहीं आया है। जुलूस की एक ऐसी तस्वीर लेकिन सामने आई है जिसमें स्लोगन के जरिए अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ भाषण की याद दिलाई गई। एक युवक के हाथ में एक छोटी सी तख्ती थी, तख्ती पर लिखा था 15 मिनट याद आया। यह स्लोगन हिंदुओं की दुकान की तरफ दिखाया गया। कुशीनगर के गोला बाजार में जिस जगह पर यह स्लोगन दिखाया गया वहां हिंदुओं की दुकानें हैं, यानी एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि पहले भड़काऊ टेप बजाया गया और फिर भड़काऊ स्लोगन दिखाए गए। कुशीनगर उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और यहां ये जो इलाका है इसमें ज्यादातर हिंदुओं की दुकानें। तो भड़काऊ टेप पहले बजाया गया अकबरुद्दीन ओवैसी का और उसके बाद स्लोगन जो है बाकायदा एक तख्ती पर लिखे हुए हैं और इस पर लिखा है 15 मिनट याद आया। ये आप देखिए, ये तस्वीर इसके हाथ में आप देखिए किस तरह से 15 मिनट याद आया का ये स्लोगन आपने देखा। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट पुलिस हटाने वाला विवादित भाषण भी चलाया गया था। बवाल के वक्त वहां मौजूद रहे एक चश्मदीद, एक आई विटनेस का दावा आपको सुनाते हैं। ये साफ साफ ये कह रहा है कि 15 मिनट वाला भड़काऊ टेप बजा था। जुलूस इधर से आ रहा था, उसने 15 मिनट का ओवैसी का फोटो लगाकर और भाषणबाजी हो रहा था, 15 मिनट में ये कर देंगे वो कर देंगे पुलिस हटा लो, तो ये आपत्तिजनक लगा। कुछ लोग हैं जैसे धार्मिक भावनाओं के चेहरे पूछ, इसी को लेकर थोड़ा बहुत नोकझोंक हुआ था, बहुत कुछ नहीं हुआ था लेकिन थोड़ा बहुत हुआ था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मतलब ये सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा ऐसा लग रहा था। इसी जगह हुआ था, गोला बाजार जगह है ये जगह। हाँ, उसके बाद लड़के कहाँ भागे? कुछ लोग लड़के गली में भागे, मठ पे गए, मठ के पास तोड़ फोड़ पत्थर चला था, वो वायरल हुआ होगा वीडियो पे। सवाल यही हुआ, सवाल ये गोला बाजार से हुआ, स्टार्टिंग यही से हुआ। तो कुशीनगर के गोला बाजार में जिस जगह पर भड़काऊ टेप बजाया गया, जहां भड़काऊ स्लोगन दिखाया गया, वहां विजय श्रृंगार महल नाम की एक दुकान है। इस दुकानदार का भी कहना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ टेप बजा था, उसकी दुकान के सामने बजा था। अरे कौन सा भाषण भाषण बज रहा था? अब भाषण तो गंदा फैल रहा, ये लोग तख्ती पे लिखे थे 15 मिनट याद आया, ये भाषण था अकबरुद्दीन के, अकबरुद्दीन कौन है उनका भाषण लेके घूम रहे थे लोग, ठीक ये भाषण था। एक और भाषण था मेरे घर के सामने कि इतनी तेज डीजे बजाओ कि मकान तो मकान सड़क फट गया। और जिस दुकान के सामने ये भड़काऊ टेप बजाया गया, भड़काऊ स्लोगन दिखाए गए, उस दुकान के मालिक ने यह भी बताया कि कैसे भड़काऊ टेप बजने के बाद एक मठ पर हमला हो गया। तो आपके सामने जुलूस आया था, जिंदा बज रहा था उसमें? एक नहीं, 1000 नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ यहाँ मर जाए तो भी मुसलमान का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैंने यही मैं सुना यहाँ पे 15 मिनट याद आया कि तख्ती लगाए थे लोग, देख रहे अचानक 150-200 बच्चे जुलूस से निकल कर इस गली में, सामने वाले गली में दौड़ दिए। लेकिन क्या पता चला 15 मिनट बाद? 15 मिनट बाद पता चला कि मठ के पास जो है पथराव किए लोग। मुसलमानों के धार्मिक जुलूस में अकबरुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ टेप बजा था, इस बात की पुष्टि लोकल बीजेपी एमएलए भी कर रहे हैं। विधायक का कहना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जो भी घटना हुई वो घटना ठीक नहीं थी, हम चाहते हैं कि यहाँ आपसी सौहार्द बना रहे, चाहे उस पक्ष का हो कोई त्यौहार हो, चाहे हमारे पक्ष का त्यौहार हो, जो भी कल लोग किए हैं उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर करके जेल भेज दिए। वो नहीं करना चाहिए था, ओवैसी का यहाँ रिकॉर्डिंग चलेगा क्या? ये हिंदुस्तान है, ये कुशीनगर है, इस तरह के कोई भी कृत्य कोई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं, नए नए दावे किए जा रहे हैं। अब तक की जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक चश्मदीद यह दावा कर रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट पुलिस हटाने वाला टेप बजा था। टेप बजाकर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो वीडियो अब तक सामने आए हैं उनमें अकबरुद्दीन का भाषण सुनाई पड़ रहा है। यह भाषण भड़काऊ तो है लेकिन इसमें 15 मिनट पुलिस हटाने वाली बात नहीं है। तो भड़काऊ टेप आपने सुना, भड़काऊ स्लोगन आपने देखा और जब इसका विरोध किया गया तो वहां दंगे जैसी हालत हो गई। धार्मिक जुलूस में शामिल भीड़ एक गली में दौड़ने लगी, एक मठ को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई, वहां पत्थर भी बरसाए गए। अब देखिए किस तरह से घर पर पत्थरबाजी हो रही है।
ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हो, उपद्रवियों ने जमकर वहां बवाल काटा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, जुलूस में हंगामा भी सामने दिख रहा है आपको। भड़काऊ टेप बजा, ये वीडियो में सुनाई पड़ रहा है। भड़काऊ स्लोगन दिखाए गए, ये भी वीडियो में दिख रहा है, लेकिन पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही कि 15 मिनट पुलिस हटाने वाला भड़काऊ टेप बजा था। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना कसिया क्षेत्र में गोला बाजार नामक क्षेत्र में दो पक्षों के बीच कहासुनी की स्थिति में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। इसी बीच कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा आपस में झगड़ा लड़ाई की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके से 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी अधिकारी मौके पर उपस्थित हैं। मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। अब जरा आपको अकबरुद्दीन ओवैसी का वो 11 साल पुराना भाषण सुनाते हैं जिसे सुनाने का दावा कुशीनगर में किया जा रहा है। ये स्पीच अकबरुद्दीन ने 2012 में दी थी। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो, 1000 क्या, 1,00,000 क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो 1 को भी पैदा नहीं कर सकते। हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है।